पिछली तासिका में हमने पहचान हमारी भाग एक में अ आ इन दो स्वरों की जानकारी दी थी। तो आज मैं आपको अन्य स्वरों की जानकारी पहचान हमारी भाग एक इस पाठ में दूंगी। सभी छात्र पाठ पर ध्यान दो। छात्रों, पिछली तासिका में हमने स्वर, व्यंजन, स्वयुक्त व्यंजन इनकी जानकारी ली थी। आज हम ई उ इन स्वरों से बनने वाले शब्दों की यह जानकारी लेंगे। छात्रों, पृष्ठ क्रमांक 9 पर ऊपर दाहिनी ओर जो स्वर दिए हुए हैं इनकी जानकारी हम आज लेंगे। छात्रों, आप सबको इन चित्रों को और शब्दों को ध्यान से देखना है। पहले देखिए, इलायची, ईद, छिपकली, ई य ई प, इन वर्णों को हम नीचे दिए गए हुए शब्दों में रेखांकित करेंगे। पहले कौन सा शब्द है यहाँ पर? साइकिल, पायल, चारपाई और आगे सांप। अब पहला वर्ण कौन सा है यहाँ पर? ई, साइकिल, साई, ई। यहाँ पर क्या कौन सा वर्ण है? ई। इसके नीचे क्या करेंगे हम? रेखांकित करेंगे ई के नीचे। उसके बाद कौन सा शब्द है यहाँ पर? पायल। अगला वर्ण कौन सा है यहाँ? य, पायल। इस शब्द में य यहाँ है, इसे हम क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। उसके बाद चारपाई, हमें कौन सा वर्ण ढूंढना है यहाँ पर? ई। चारपाई में यह पर क्या है? ई वर्ण है, उसे हम रेखांकित करेंगे। और अगला है शब्द सांप, और कौन सा वर्ण ढूंढना है यहाँ पर हमें? प। प के नीचे हम क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। इस प्रकार हमें अगले भी सभी चित्र के नीचे दिए गए शब्दों को रेखांकित करना है। आगे देखिए, उड़न खटोला, ऊन, जुगनू, ये सभी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। उनमें कौन से वर्ण हैं? ऊ, न, ख, ऊ और ग, ये यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं। और ये सभी वर्ण हमें नीचे दिए गए हुए शब्दों में ढूंढने हैं और उन्हें रेखांकित करना है। पहले देखिए, यहाँ पर उल्लू, पहला वर्ण ऊ है, तो यहाँ पर ऊ के नीचे हमें क्या करना है? रेखांकित करना है। दूसरा वर्ण है न, लहसुन, इस शब्द में न यहाँ पर है, तो उसे हमें क्या करना है? रेखांकित करना है। अगला वर्ण है ख, खटमल, इस शब्द में ख यहाँ पर है, तो उसके नीचे हमें क्या करना है? रेखांकित। अगला वर्ण है ऊ, प्याऊ, इस शब्द में ऊ यहाँ पर है और उसे हम क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। अगला जो वर्ण है वह है ग, और अजगर, इस शब्द में ग वर्ण यहाँ है, उसके नीचे हम क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। आगे देखिए, चमगादड़, ढलान, गठरी, इन वर्णों को, इनमें च, म, ड, ढ और ठ, ये वर्ण है। इन वर्णों को हम नीचे दिए हुए शब्दों में रेखांकित करेंगे। और पहला वर्ण है यहाँ पर च, चटई में च यहाँ पर है, च, चटई, इसको हम क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। उसके बाद म, मकड़ी, इसमें कहाँ है म? यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करेंगे हम? म के नीचे रेखांकित करेंगे। उसके आगे दिया हुआ है वर्ण ड, लड़की, यहाँ पे बीच में क्या है? ड वर्ण है, उसे हम रेखांकित करेंगे। और अगला क्या है? ढ वर्ण है,
तो ढाल इस शब्द में ढ यहाँ पर है और उसे हम रेखांकित करेंगे। अगला वर्ण है ठक, ठप्पा। इस शब्द में ठ कहाँ है? यहाँ पर है, उसे क्या करेंगे हम रेखांकित करेंगे। अभी हमने वर्णों को पहचान कर उन्हें रेखांकित किया है। चटाई, मकड़ी, लकड़ी, ढाल, ठप्पा, ये सभी शब्दों में हमने वर्णों को क्या किया है? रेखांकित किया है। छात्रों, पाठ में नीचे हमें कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर, ये सभी शब्द अ, आ, ई, ई, उ, इन स्वरों की सहायता से बने हैं। तो अब हम ये सभी शब्द पढ़ेंगे। देखो, पढ़ो, यह, नख, उर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हमदम, चकमक, चटपट, फड़क्कर, आई, माई, झरा, इरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इकहरा, चारपाई, दीदी, चूरा, कुहू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नुपुर, दुरूह, कुरुप, गुटरू, शारीरिक, पिचकारी। इस तरह से हमें वर्णों से तैयार होने वाले सभी शब्द यहाँ पर पड़े हैं। अब हम अ, आ, ई, ई, ऊ, इन स्वरों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ निरीक्षण कीजिए, स्वरों की सहायता से व्यंजन किस प्रकार बनते हैं यह हम देखेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ क वर्ण लिया है। इस चिन्ह को लहंत कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और जिस अक्षर के नीचे ये हलंत लगा हो वह अक्षर आधा माना जाता है। जिस अक्षर के नीचे यह हलंत लगा हो उसे क्या कहते हैं? आधा अक्षर कहते हैं। तो ये जो क अक्षर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यह क अक्षर आधा है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है क अक्षर वर्ण, ये सभी क्या है? आधे है। उसका हम स्पष्ट उच्चार नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे क्या लगा है? हलंत, हलंत लगा है। हम इसका स्पष्ट उच्चार नहीं कर सकते। जब इस हलन लगे हुए क में हम अस्वर मिलाएंगे तो ये पूरा क अक्षर बनता है और उसका उच्चारण हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। क में अस्वर जोड़ने पर क यह पूरा अक्षर हमें मिलता है। उसी प्रकार क में अस्वर हम मिलाते हैं तो हमें का यह पूरा अक्षर मिलता है। आगे देखिए, क में ई स्वर जोड़ने पर हमें की यह पूरा अक्षर बनता है। क में ई यह स्वर जोड़ने पर कौन सा अक्षर बनता है? की। उसी प्रकार क इसमें उ यह स्वर जोड़ने पर बताओ कौन सा अक्षर बनता है? सही कहा, उ। और क में उ यह स्वर जोड़ने पर हमें कौन सा अक्षर मिलता है? कु। इस प्रकार क का उच्चारण हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, क इसमें कौन सा स्वर मिला है? ओ। का
आ स्वर मिला है उसमें, की ई स्वर मिला है इसमें, आगे है की इसमें दीर्घ ई य स्वर मिला है, आगे कौन सा है कु इसमें उ य स्वर मिला है, और आखिरी कु इसमें दीर्घ उ य स्वर मिला है। इस प्रकार हमने यहाँ पर वर्ण स्वर और व्यंजन किस प्रकार स्वर की सहायता से बनते हैं यह हमने यहाँ पर देखा। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इन सभी स्वरों की जानकारी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगली तासिका में हम कुछ नया देखेंगे। धन्यवाद।